हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम आ चुके हैं एक बार फिर से एक्नेटर पे और आज हम फाइन करने वाले इच्छाधारी ना। अरे पूरा भाई, आप तो कुछ भी कैरेक्टर कर लेते हो, आप तो एआई हो सर। एआई यू का हो वे है एआई। इच्छाधारी नाग ना बोली जा रही। ओह सॉरी, आई मीन्स पूरब जा नोन एज एआई। पूरब जा जब भी किसी का रूप लेता है एआई भाई हमारा, तो ये दिखने कैसे लग जाता है वैसा? ये बंदा एकदम एमसी स्टैंड भी लगने लग जाता है, डिट्टो हनुमान काइंड भी डिट्टो, आसिम रियाज भी डिट्टो। शक्ल कैसे बदलती है यार, ऐसे कौन सा मेगा वर्ड, इसे क्या चल रहे हैं? जलवा है हमारा। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पर हम आ चुके हैं अखिनेटर पे। करें स्टार्ट। वेरे मेरे ओह ये ओह ये ओह ये ओह ये स्टार्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, डज डायरेक्टर हैव अ सिल्वर प्ले बटन? यस। पहले ये था ना कि थोड़ा सा फेमस होना है, कुछ चीजें करनी है लोगों को, मतलब क्लास में भी बकचोदी वगैरह करता था तो लोग कहते थे अरे यार तू बढ़िया कर रहा है, तो कोई अप्रिशिएट करता था ना तो बड़ा अच्छा लगता था। पापा टीचर थे, ठीक है, तो उनका ये मन था कि बच्चे भी मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई में ही निकले। तो पहली सैलरी जो आई वो मैंने जाके सीधे पापा के हाथ में ले ली सारी। तो उन्होंने कहा कि क्या है? मैंने कहा पापा ये मैं एक महीने से ना जॉब कर रहा था, ऐसे ऐसे एक बंदा है हर्ष बेनीवाल, काफ़ी फेमस है। मैंने कह रहे काम अच्छा लगा, तुम सही कर रहे हो, मतलब उनको तो उनको भी अच्छा लगा कि कोई एक्टिंग का। घर में हमारे मतलब फैमिली में ना ऐसा कोई भी नहीं था जो काम किया, फिर वो दिखना शुरू हुआ लोगों को, मतलब लोगों ने पहचाना, लोगों ने अलग से ही मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, इस डायरेक्टर है गेमर पे, गेमर तो नहीं यहाँ पर कुछ लोगों की उसने गेम बजा रखी है। ए, क्यों हिला डाला ना? मजा आ गया भाई को। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस डायरेक्टर इंडियन है भाई, आप उसके मुंह से कुछ सुन लो। नॉट इंडियन रैपर ब्रो, आई एम रैपर फ्रॉम इंडिया। क्या नॉट एन इंडियन रैपर? अबे एक बात बता, जिस आदमी ने तुझे पैदा किया है उसके बदले पड़ोसी को पापा बोलता है क्या तू? ये नमस्कार दोस्तों। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, डज डायरेक्टर हैव अ पेट? पेट तो नहीं पर एक माला जरूर है जिसका नाम हर्ष बेनीवाल है। मैं इसलिए बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को हर्ष भाई मिले और उनके थ्रू मैंने ना बहुत दुनिया देखी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज योर एक्टर टेकन पार्ट इन बिग बॉस? उसने बिग बॉस में पार्ट नहीं लिया, उसने बिग बॉस का एक सीजन होस्ट किया, आप चाहे तो खुद देख लो। भैया पूरा नहीं जीत सकता भैया। अबे क्यों नहीं जीत सकता? वीडियो उसकी, स्क्रिप्ट उसका, चैनल उसका, वही जीतेगा। अबे वो सब छोड़ो, मैं भी पूरा चाहिए हूं। ओम सलमान जेसन सल्वाडोर एल सल्वाडोर। अबे सुनो सुनो सुनो, ये भी छोड़ो, तुम सब भी पूरब जाइए हो। सही खेल गया फ्रेंड्स। ए लवड़े सुनना, मैं ही हूँ मार्वल का दामाद। भाई कर दिया ना सिस्टम है। तो कैसे हैं आप लोग? सरप्राइज, समझ रहे हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एक्टर मेक कॉमेडी वीडियोस? ये होता है हर बिल में आर्ट डालने का, पता नहीं कहाँ से फॉलोअर्स बढ़ जाए, समझा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, डज डायरेक्टर यूज बैड वर्ड्स, मतलब बुरे शब्दों का उपयोग करता है, तो आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो यार। यू आर सच अ ग्रीन फ्लैग बाबिल, मैं तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ, क्यों रहना चाहते हो मेरे साथ? मैं तो तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ। ये व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज योर एक्टर मुस्लिम? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए सूरज को झुका दूंगा। पुराने समय में जब कवियों ने यह पंक्तियां लिखी थी तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनके इन्हीं पंक्तियों का ओवरडोज कर समाज में एक ऐसी कम्युनिटी का जन्म होगा जो कि लॉजिक की कब्र खोदकर उसी पर फेकनेस का झंडा लहराएगी। इस कम्युनिटी का नाम है द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज डायरेक्टर वर्क अलोन? भाई वो ज्यादातर वर्क अलोन ही करता है, उसकी ज्यादातर वही होता है, पर वो कुछ वीडियोस ने हर्ष बेनीवाल के साथ भी किए शॉटिंग वीडियोस, और उसने अब रिसेंटली कैरी मैटी के साथ कोलैब किया था। ये जो कैरी भाई के साथ अभी मैंने वीडियो करी, उन्होंने रात को टीजर डाला
और अगले दिन 100 मिलियन थी, 24 घंटे भी नहीं हुए थे 100 मिलियन प्लस व्यूज टीजर पे। डैम ब्रो, ये लोग पागल हो गए। हम दोनों का कोलैब, मतलब मेरे को इतने डीएम्स पहले से भी आते थे कि भाई कैरी के साथ करो, कैरी के साथ। हम दोनों को बहुत कंपेयर भी करते थे कि ये भी एआई है, ये भी एआई है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्टर हैव ओवर 9 मिलियन सब्सक्राइबर। भाई अभी करंटली तो 9 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, पर जैसा इसका मतलब कंटेंट है भाई, एक दिन हो जाएंगे यार आसानी से। मूर्ख, रोता क्यों है? जानता है तू कौन है? I know. My name is Purav Jaisal of Mr. Suman Kumar Jha. अबे चूतिया, अंदर से कौन है तू? You are a star. क्यों इस ब्लैक होल में लुप्त होने का वेट कर रहा है? चलो उठ खड़ा हो। You are born to shine. और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्टर राइट देयर ओन म्यूजिक। यार बी प्राक सर कुछ ऐसा नहीं गाते, मतलब कुछ कुछ थोड़ा इस तरीके से, लाइक तू सब जानदा है मैं छड नहीं सकदी तैनू ताही ताही उड़ाते रोज नचावे मैनू तोड़ बंद यार थोड़ा बहुत। और यहाँ पर इसने फाइनली पूरब जा को फाइन कर दिया। मैंने गलत करा वो चली सड़क मिला जो भी मैंने अदब करे बहुत है सपना नी स्वर्ग का ना नरक का है खौफ करी बहुत मारा मारी गलत कर्म करे बहुत मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। चलो यार आज की इस वीडियो में हम इतने रखते हैं यार। आज की वीडियो को अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बता सकते हो कि हम नेक्स्ट अखिल इंटर पे किसको फाइन करें। चलो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे अच्छा कंटेंट आज की डेट में इंस्टाग्राम के कमेंट्स हैं। भाई कमेंट्स आए आए भाई, पोस्ट जाए ने, कमेंट्स देखो भाई, कमेंट्स में देख देख के भाई फटो। इतने डार्क कमेंट्स भाई भाई ब्रो, दिस इज कलयुग, ये है कलयुग ही है ये। तो क्या हो गए भाई, कुछ नहीं सोचते लिखने से पहले, कुछ भी करने से पहले। टैंक हो चुके हैं भाई लोग, पागल हो चुके हैं सच्ची में, कुछ भी करते हैं भाई।